आस्था टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। एक सेठ जी ने गर्मी के महीने में पानी पिलाने के लिए एक प्याऊ खोला। कोई भी प्यासा आए और वहां पानी पीकर जाए। बड़ी प्यारी व्यवस्था की थी। अच्छा काम है साहब, गर्मियों में किसी के लिए पानी की व्यवस्था करना अच्छा काम है। पानी पिलाने के लिए एक आदमी रख दिया, एक नौकर रख दिया कि दिन भर उसका काम था वहां बैठना, कोई भी प्यासा मुसाफिर आए और उसको पानी पिलाया जाए। और सेठ जी कभी कभी कुर्सी डालकर खुद भी वहां बैठते थे, कोई भी प्यासा आए, और देखकर उनको बहुत आनंद होता था। एक दिन हुआ ये कि एक बहुत प्यासा आदमी आया, कहीं दूर से चलता हुआ आ रहा था। सेठ जी अकेले बैठे थे और वो नौकर जो है पानी पिलाने वाला वो कहीं गया था। तो उस भाई ने आकर कहा कि सेठ जी बहुत प्यास लगी है, तेरा पानी मिलेगा? सेठ ने कहा कि हाँ, आप लोगों के लिए ही मैंने प्याऊ बनवाया है, जरूर मिलेगा और बढ़िया पानी है, ठंडा पानी है, जरा 10 मिनट वेट कर लो। वो पानी पिलाने वाला आदमी जो है वो कहीं गया है। उसने कहा कि सेठ जी 10 मिनट ऐसा लग रहा है कि मैं 5 मिनट भी नहीं जी पाऊंगा, पानी न मिला तो मैं मर ही जाऊंगा, थोड़ी रहम करिए मुझ पर। सेठ ने कहा भाई देखो, मैंने इतना अच्छा काम किया, आप लोगों के लिए ही तो किया है ना। अब सोचो यहां प्याऊ न खोला होता मैंने तो आपकी क्या हालत होती, ये पानी पिलाने का स्थान आपके लिए तो है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। वो आदमी आते ही बस तुरंत पहले आपको ही पानी पिलाया जाएगा। अरे उसने कहा कि सेठ जी मैं मर जाऊंगा। बार बार वो कहता रहा और सेठ का एक ही उत्तर है कि भाई आदमी है नहीं, पिलाएगा कौन, आदमी है नहीं। तब उस आदमी ने कहा कि क्या सेठ जी आप आदमी नहीं, आप क्या गधे हैं क्या, प्याऊ बनवा दिया और एक प्यासे को तड़पते देखना, क्या ये इंसानियत है? हाँ, इंसानियत ये नहीं है प्यारे, किसी के दर्द को समझ लेना। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। हमारी इंसानियत आज ऐसी हो गई है, हमारा बेटा कोई गलती कर देता है और पड़ोसन यदि लड़ने आ जाए तो हम क्या कहते हैं, अजी छोड़ो ना, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। हाँ, बच्चा ही तो है, नादानी कर दिया होगा। और वही गलती किसी दिन पड़ोसी के बच्चे ने कर दिया तो ये उपदेश हम भूल जाते हैं, अरे तेरा बेटा नालायक है, वहां क्या उसका बेटा भगवान का स्वरूप नहीं? हाँ, तुरंत हमारी इंसानियत वहां खत्म हो जाती है। रामायण पढ़कर सीखो इंसानियत, इंसानियत क्या होती है, पराए दर्द को जो समझ सके, पराई पीड़ा को जो जान सके,